नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक से। तो इसमें हम लोग दो अध्याय देख चुके हैं। ये तीसरा आपका अध्याय है चुनावी राजनीति। इस अध्याय में देखेंगे हम लोग चुनावी राजनीति। आपको बता दें कि ये बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी हुई है। ये कह लीजिए बुक्स सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा उनके लिए नहीं, या फिर कक्षा 9वीं के विद्यार्थी के लिए। मैं तो कहता हूँ कि जो भी इंडिया में निवास करता है, भारत में रहता है, उसे सबको पता होना चाहिए सामान्य जानकारी के बारे में। फिर चाहे आपकी भौगोलिक स्थिति हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, आपको पता तो होना चाहिए कि आपका चुनाव किस तरह से होता है, किस तरह से राजनेता बन जाते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार होते हैं, किस तरह से नेता मतलबी दिखते हैं। सब पता तो होना चाहिए। या फिर वही हाल है कि किस लिए जिए पता नहीं, किस लिए मरे पता नहीं। वो हाल छोड़कर अपनी राजनीति को देखिए, उसे पहचानिए, ठीक है। फिर आप वोट देने में भी निर्णय ले सकेंगे कि किसे वोट दिया जाए, कौन सा ही नेता हमारे लिए, कौन गलत है। एक परिचय देखते हैं हम लोग। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है न ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत की लगभग, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि 145, 135 या 145 हो जाएगी कुछ दिन में, तो ये सब मिलकर निर्णय ले सकें। अब हर किसी से, अब आप ही नोटबंदी ले लीजिए सरकार का फैसला, अब हर आदमी से तो नहीं पूछने जाएंगे कि नोटबंदी की जाए या नहीं की जाए। उसके लिए आपने अपने एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री तक को चुना है कि वो आपके बारे में फैसला ले। अब ये अलग बात हो जाती है कि आपका विधायक आपके हक के लिए लड़ता है या अपने पेट भरने के लिए, ठीक है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। आखिर आप अपने प्रतिनिधियों को यानी कि एमपी एमएलए को चुनते कैसे हैं। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर अध्याय इसका 1 और 2 नहीं देखा है चैप्टर, तो उसे जाकर देख लें। उसमें भी बहुत कुछ बताया गया है आप इसकी सामान्य जानकारी के लिए। और जो फिर इसका स्टूडेंट या सिविल एस्पिरेंट है, उसे तो पढ़ना जरूरी है। उसके लिए तो इसके बिना कुछ है ही नहीं। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं प्रमाणों के आधार पर भारत में हुए चुनाव का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। आपकी जो भी चुनाव होता है, इसके लिए एक आयोग बनाया है, राज्य का हो चुनाव, फिर चाहे एमपी एमएलए दोनों के लिए, राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति का भी तो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का, विधायक, सांसद का, तो इन सभी के लिए एक चुनाव आयोग बनाया गया। बात करते हैं चुनाव क्यों। तो इस उदाहरण से बात करते हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देखते हैं। आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते।
उन्हें लगता कि हमारा नेता आ गया। ये बात आप लोग अक्सर देखते होंगे। यह नेता थे आपके श्री देवीलाल, जो हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा सी भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिए। पिछले 23 कितने 23 मंथ से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी प्रक्रिया आपकी हरियाणा में हुई 1987 में हुए राज्य विधान सभा चुनावों से जुड़ी एक खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवी दयाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यह ही उनकी सरकार का पहला कदम होगा। आप लोग अक्सर इस तरह के वायदे देखते रहते होंगे, ठीक है। इसके बारे में भी कई बार हम हमारी तरफ से बताया गया कि जो भी कर्ज होता है उसका भुगतान आपसे ही किया जाता है, आपका ऋण माफ करके भुगतान आपसे ही किया जाता है उसके लिए, ठीक है। सरकार के पास कोई पेड़ तो लगा नहीं है पैसे का कि वो तोड़ के तुम्हें माफ कर दे या तुम्हें दे दे। तो याद रखिए, आपका ही पैसा आप पर ही लौटा दिया जाता है, आपको ही दे दिया जाता है। अगर इतना क्लियर है कि अगर आपसे 1 रुपया वसूल हो रहा है, अगर 1 रुपया आपके ऊपर खर्च हो जाए ईमानदारी से, तो अभी हमारा देश कहाँ पहुंच जाता। राजीव गांधी का याद होगा आपको, उन्होंने कहा था कि वो मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूँ तो नीचे तबके तक आते आते वो 10 रुपये 10 पैसे बचते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 90 पैसे खा जाते हैं लोग बीच वाले, ठीक है। इसलिए हमारे देश का ये हाल है। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, वे देवी दयाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत हुई। लोक दल को अकेली ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोक दल के नव निर्वाचित विधायकों ने देवी दयाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवी दयाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर, मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। तो क्या होता है, आप याद रखिए, जब भी एक पार्टी को बहुमत मिल जाता है या दो पार्टी हैं, दो चार पार्टी हैं, इस तरह से जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं, राज्यपाल उसी को बुलावा देता है सरकार बनाने का, ठीक है। तो अगर उसके बाद बहुमत हुआ तो वो सरकार बना सकता है, पर उसके बाद दूसरे को, आपने अभी महाराष्ट्र में देखा होगा, तो सबसे पहले बीजेपी को दिया, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था तो उसने छोड़ दिया। फिर एनसीपी, फिर आपके शिवसेना को, फिर उसके बाद कांग्रेस को, फिर कांग्रेस शिवसेना उन्होंने बना ली। तो इसी तरह बुलाते हैं। जगदीप और नवनीत ने इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से निष्कर्ष सही हैं, कौन से गलत हैं? चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है,
राज्यपाल ने देवी दयाल की भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया है। ये गलत है। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते हैं। अब आप ही सोचिए कि आपने बीजेपी कांग्रेस दो पार्टी हो गई, ठीक है, मान लीजिए अभी हमारी नरेंद्र मोदी सरकार है और आप इससे नाराज हो जाए, आपके हक में काम ना करें, तो आप अगले में इसे अवॉइड कर देंगे, मतलब इसे छोड़ के कांग्रेस को वोट दे देंगे, ठीक है। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, सही है। इस चुनाव ने से हरियाणा की आर्थिक विकास में काफी मदद मिली। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, ये भी है। बात करते हैं चुनाव की जरूरत क्यों है। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही पार्टी हारती है तो चुनाव, तो क्या होता है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है। आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई महाराष्ट्र में, तो उन्हें पता था कि गिरने वाली है सरकार, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, क्योंकि बहुमत साबित होता, गिरती तो तब भी गिरनी थी, तो पहले ही इनने अपनी इज्जत थोड़ी धूमिल होने से बचा ली, ठीक। चुनावों की जरूरत आखिर क्यों है, बात करते हैं चुनाव आखिर क्यों कराना जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक देश ऐसे जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, जहां लोकतंत्र है वहां चुनाव होना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर चुनाव जहां होता है वो देश लोकतंत्र होगा, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां चुनाव कराना जरूरी है। पर हमें चुनाव चुनावों की जरूरत क्यों होती है आखिर, आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय एक में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं था, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसे जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो, वे अपने पद पर ना बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी लें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना गया। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून की दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। आप मानिए या ना मानिए, अगर जनता जागरूक हो जाए और वो अपना नेता बिना भेदभाव के चुनना शुरू कर दे, यानी कि समझ रहे हो, दिल्ली का उदाहरण ले सकते हो। अभी देखिए यार, इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। अब आप सोचिए, स्कूल मेंस, मैं तो कहता हूँ कि 90 से 95% समस्याएं खत्म हो जाए,
अगर सभी के बच्चों को अच्छी स्कूल शिक्षा मिले, उन बच्चों की जिंदगी के साथ ना खेला जाए। अब यही तो अरविंद केजरीवाल ने किया कि मैंने पानी, सुविधा, स्वास्थ्य हो गया, बिजली, शिक्षा, यही तो गरीब की जरूरत है, यही तो हर इंसान की जरूरत है। लेकिन अक्सर जनता भड़काने में आ जाती है। दिल्ली की जनता मैं समझदार समझता हूँ, मानिए या ना मानिए, तुम्हारे हाथ में रहती है पावर। इस बार तुम्हारे विधायक या तुम्हारा सरपंच हो, कोई भी हो, पार्टी नहीं काम कर रहा है, अगली बार बदल दीजिए, दूसरे को लाइए। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, चुनाव के टाइम पर इतना जहर उगल दिया जाता है और दिमाग को बंद कर दिया जाता है जनता के। तो यही फैसला वही हवा में चुनाव में वोट डाल देते हैं, जिसकी हवा चल रही है उसी को दे दिए। मैं बताता हूँ, मैंने एक जगह ऐसा देखा है कि वहां के लोगों को अपने सांसद का यानी कि एमपी का नाम पता नहीं है, फिर भी उसने उसे जिताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक किसी एक खास पार्टी का, और पार्टी का नाम नेशनल लेवल पर है। अब समझ सकती हैं, जैसे अपने राजा का नाम पता नहीं है, वो अपना राजा आंख बंद करके चुन ले रहा है। आगे बात करते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या है। चुनाव कई तरह से हो सकती है, लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही है, यहां तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी ना किसी तरह के चुनाव होते हैं। जो चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं। हमने अध्याय एक में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी, हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते हैं। आइए वहां सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, हर किसी के मत का समान मूल्य हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने का आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्तें बहुत आसान हैं और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में हम अपने देश के में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके या जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। क्या राजनीति प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता का या प्रतिद्वंद्विता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवार के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो सकता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। अब आप ही सोचिए कि आपके यहाँ अपने देश में, मान लीजिए एक ही पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी फिर कांग्रेस, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको इसी को वोट देना है, फिर क्या है चुनाव का मतलब क्या रहा है? फिर तो आप एक पुराने जमाने का ठप्पा थोप दीजिए कि राजा एक ही बनेगा, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है उसे ना हटाने के ना बदलने के, यानी कि यही तो राजतंत्र हो जाता है। फिर चुनाव का मतलब ये होता है कि हमारे पास चुनाव के लिए ऑप्शन हो कि हम किसे चुनना चाहते हैं, ए को या बी को या सी को, ठीक है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है।
समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनाव भी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। अब आप ही सोचिए कि आप एक ईमानदार हैं, ठीक? क्या है? आप एक ईमानदार हैं, आप मन से सेवा करना चाहते हैं जनता की, लेकिन कहाँ आप ईमानदारी से जीत पाएंगे इस समय में? अगर आपके पास पैसा नहीं है और विपक्ष के पास पैसा है, तो आप कहाँ उनसे फाइट कर पाएंगे? आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए तो ईमानदार नेता हट जाते हैं। वो जनता इतनी समझदार कहाँ है कि वो तुम्हारी ईमानदारी देख के तुम्हें चुने, ठीक? इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बार बार बोलता हूँ कि वो मुझे समझदार लगी, कि सबने अपनी दम लगा ली जितनी जिसमें पावर थी, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकी। समझ रहे हैं? पूरा देश चुनावी प्रचार में लग गया था, आपने देखा होगा अक्सर, लेकिन फिर भी वहां की जनता को मन नहीं बदल सके कोई भी। आगे बात करते हैं, हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यह व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित कर किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। फिर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पैसों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपने करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, या फिर अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना से कि भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव, सुधार लाने का है। दूसरा ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले, ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं, तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं। क्या होता है? अगला चुनाव नहीं जीत सकते। अब आप ही सोचिए, आपने अक्सर देखा भी होगा कई जगह आप कि 8वीं पास है कोई, समझ रहे हैं, 8वीं पास, उसे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए, उससे विदेश मंत्री बना दिया जाए, कुछ फायदा होगा आपका लगता है? अगर किसी पढ़े लिखे जो विदेश या कोई पुराना ब्यूरोक्रेट्स हो, यानी कि पुराना अधिकारी IAS IPS जो भी हो, जो जानता हो इन चीजों के बारे में, अगर उसे आगे वो राजनीति में उतरता है, तो उसे मुझे मेरी मेरा मानना है कि अगर उसे बेहतर काम करने का, इस समय आप लीजिए विदेश मंत्री एस जयशंकर है, मुझे ये फैसला बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उन्हें जानकारी तो है विदेश के बारे में, वो इस तरह की नीति नियम भी बना सकते हैं ना, वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं ना। अब आप सोचिए कि उन्हीं की जगह किसी आपके सांसद को जो 8वीं पास ना हो उन्हें बना दिया जाता, क्या करते? कहीं पढ़ा था मैंने कि सबसे बुरी स्थिति हमारे देश में है कि पढ़ा लिखा राजनीति नहीं करना चाहता, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो राजनीति कर रहा है। तो इसीलिए तो है,
कि अगर पढ़े लिखे नहीं जाएंगे राजनीति में तो हमारा देश वही चलता रहेगा, बस धड़कता रहेगा जिस तरह से चल रहा है। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। और ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, मेरे पास वोट है। नेताजी देखिए, मुझे लगता है चुनाव के पहले रहते हैं इस तरह से, जनता यहाँ राजा रहती है चुनाव के पहले, जैसे ही चुनाव होता है काम खत्म। देखिए यहाँ इस कार्टून में दिखाया गया है, ये वोटर बन गया है, यहाँ ये वोटर है और यहाँ ये नेता, और ये नेता हो गए और ये वोटर की हालत हो गई जीतने के बाद, चुनाव के बाद। आगे चलते हैं हम लोग, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, बात करते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। जब आपने देखा होगा कहीं किसी की मृत्यु हो जाए या कोई इस्तीफा दे दिए तो 6 महीने बाद उसका चुनाव होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक, इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। चुनाव क्षेत्र, आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया, यानी कि विधानसभा सीटें कितनी है हरियाणा में थी, 90। आपने सोचा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा, क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम है होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने क्षेत्र में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधि की नेतृत्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य, इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। यहाँ वोट का ये मतलब नहीं है कि आपका वोट और किसी अमीर का वोट में अंतर है या किसी अनपढ़ और पढ़े लिखे के वोट में अंतर है, यहाँ सबके वोट की कीमत बराबर है। ठीक है, जिसे आपके यहाँ मतदान निर्वाचन क्षेत्र है तो आप वहां के विधायक को चुनेंगे, इसी तरह दूसरे क्षेत्र के जो मतदाता होंगे वो अपने क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य को चुनेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए हरियाणा। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। यहाँ संसद कहते हैं, सांसद। ठीक है, संसद सदस्य एमपी, और इसे एमएलए कहते हैं विधायक को। ठीक है, नहीं अगर आ जाए एमएलए लिखा तो आप याद रखिए वो विधायक होता है। कौन होता है? विधायक। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए
एक एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। अब आप कहेंगे कि विधायक का चुनाव कैसे होता है? आप वोट देंगे और तीन कैंडिडेट हैं, क्या है, तीन मेंबर हैं यहाँ से खड़े हुए हैं, तीन सदस्य, तो जिनकी सबसे ज्यादा वोट होगी उन्हीं को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपके यहाँ 10 वोट हैं मान लीजिए, तो जिसे इसमें से तीन को हैं, तीन, एक को मिले 2 वोट, एक को 4 वोट, 6 हो गए, सॉरी, एक को 2, एक को 3 और एक को 5, तो ये 5 वाला विजयी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। हमारे संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि वे संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाएंगे। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनके चुनाव जीतने को श्रेय भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के बड़े हिस्से को की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची है। आरक्षित सीटें, आपने देखा होगा कई जगह विधानसभा सीटें आरक्षित होती हैं, तो ये उसी के बारे में चर्चा चल रही है। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति जातियों के लिए आरक्षित होते हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए के लोगों के लिए आरक्षित होते हैं। मतलब वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वोट सब लोग देख सकते हैं, प्रचार हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो, ST ST हो, लेकिन खड़ा कौन होगा कैंडिडेट, यानी कि चुनाव कौन लड़ेगा, सिर्फ अनुसूचित जाति का। अगर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है तो वही लड़ेगा, लेकिन चुनाव हर कोई, यानी कि वोट हर कोई दे सकेगा उसमें। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। कब की है? 26 जनवरी 2019 की स्थिति है, याद रखना। अगर कोई पूछे कि लोकसभा में कितनी अनुसूचित जाति के लिए है सीटें आरक्षित, तो 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए 47, 47। ठीक है, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में कुछ नहीं लेती। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगर पालिकाओं और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग होता है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। देखिए यह है आपका प्यारा भारत, कुल कितनी है, 543, सामान्य के लिए 412, आरक्षित अनुसूचित जाति 84, आरक्षित अनुसूचित जनजाति यानी कि ST इसे कहते हैं, ये आपका SC हो गया। SC के लिए 84, ST के लिए 47। यहाँ एक जानकारी और आपको दे दें, जो सामान्य के लिए सीटें हैं
उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल जनरल या ओबीसी वाले लड़ पाएंगे चुनाव, वहां अगर एसटी वाला चाहे चुनाव तो लड़ सकता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए। तो आंध्र प्रदेश में आपकी 25 हो गई, इन सीटों को याद रखिए, क्योंकि क्या रहता है आपका प्रीलिम्स में पूछ लेता है, और जिस स्टेट से आप उस स्टेट की सीटों को भी याद रखिए, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू या कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में आपकी 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 6 यानी कि 6, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश एमपी में आपकी 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में आपकी 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1 आपकी, चंडीगढ़ में 1, दादरा एवं नगर हवेली में 1, दमन और द्वीप में 1, दिल्ली में आपकी 7 हैं, लक्षद्वीप में 1 है, पुदुचेरी में आपकी 1 है। इस तरह से आपकी 543 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, अपने अपने स्टेट की राज्यसभा प्लस लोकसभा की सीटें याद रखा करिएगा, क्योंकि ये आपके कहीं भी इंटरव्यू में पूछ लेता है कई बार। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मतदाता सूची पर। तो याद रखिए, जो संसद होती है तो इसमें आपके 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा होता है इसे जनता डायरेक्ट चुनती है इसके सदस्यों को। ठीक है, जैसे आप अपने यहाँ से एमपी को चुनते होंगे, और जो राज्यसभा है इसे विधायक चुनते हैं, आपके यहाँ के जो आप एमएलए को चुनते हैं वे चुनते हैं राज्यसभा सदस्यों को, और जो राष्ट्रपति होता है इसे आपकी लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, एक शब्द यहाँ याद रखिए, कौन, निर्वाचित सदस्य केवल चुनते हैं। ठीक है, जिन्हें मनोनीत किया जाता है उन्हें वोट नहीं चुनते, इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, मतदाता सूची, एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं, आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। पता है आपको, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो कई लोगों ने आवाज उठाई थी कि वोट डालने का अधिकार या वोट देने का अधिकार उसी के पास हो जो पढ़ा लिखा हो, जो टैक्स भरता हो। तो उस समय हमारी जनसंख्या कितना टैक्स भरती थी, ना के बराबर, पढ़ी लिखी 8% के करीब लोग पढ़े लिखे थे उस समय। तो इस समय गांधी जी और नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने ये मुद्दा को समाप्त किया। उन्होंने बोला कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सबको इसमें भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। आप सोचिए, अगर पढ़े लिखे और जो कर देते होंगे, टैक्स भरते होंगे, अगर उन्हें नेता चुनने का अधिकार होता तो गरीबों की हालत इससे और बदतर हो जाती, क्योंकि फिर तो कोई किसी को मतलब ही नहीं रहता आपसे। अभी तो वोट के लिए कम से कम आपके यहाँ तक पहुंच जाते हैं, आपके गेट तक, फिर तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं रहता। चलिए आगे बात करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर व्यक्ति किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होता है। तब ठोस कारण ना हो किसी को मत
मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि आपकी उम्र 18 साल हो गई तो आप वोट देने के काबिल हो गए, और फिर आपका वोट, और फिर चाहे कोई भी हो उसके वोट का और आपके वोट का बराबर मूल्य होगा। ठीक है, आपके वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी एक अमीर की है, एक पढ़े लिखे की है। ठीक है, अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं। पर हर कोई इंसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले को कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। याद रखिए, सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो या व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि हम अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है तो उनकी नाम इस सूची से हटा दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल दे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। तो ये थी मतदाताओं की कहानी। अब चलते हैं हम लोग उम्मीदवारों की कहानी पर, जिन्हें आप चुनते हैं, उम्मीदवारों का नामांकन। हमने ऊपर देखा है कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगने की लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनावी प्रणाली ऐसी ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क है, इस फर्क को याद रखिए, कई बार आपका कथन में पूछ लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकार हो जाता है। अगर आप 18 साल के हो गए तो आपको वोट डालने का अधिकार तो हो गया, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कहीं आप दो बात में ऐसा याद रखिए, अगर आप 18 वर्ष के हुए तो आप वोट डालने के हकदार हो गए। अगर आप सरपंची का चुनाव लड़ते हैं, पंचायत, तो इसके लिए 21 वर्ष उम्र जरूरी है। अगर राज्य सभा के लिए 30, लोकसभा 25 और विधानसभा 25। ठीक है, याद रखना। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। आपने सुना होगा अक्सर किसे चुनाव इसे टिकट मिल गया है। इस तरह से होती है आपकी, देख लीजिए, निर्वाचन, निर्वाचक नामावली। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवारों को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति
देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। इससे क्या होता है कि जनता को पता चल सके कि वो जिसे चुन रहे हैं वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है या ईमानदारी है। ठीक है, अब तो एक और अभी कोर्ट ने नया नियम लागू किया है कि अब अपने जितने भी आप टिकट देते हो तो उनके बारे में बताना होगा क्यों आपने टिकट दिया है ऐसे, और उनके जो भी आपराधिक प्रक्रिया रही है उन पे जो भी केस रहे हैं उन्हें अपनी साइट पर अपलोड करना होगा जिससे जनता भी देख सके कि वो जिसे चुन रहे हैं उसका हाल क्या है। इस सूचना को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इससे मतदाता को उम्मीदवार द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी ना किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है तो विधायक और सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। आपने देखा होगा अगर आपको कांस्टेबल की भी परीक्षा देनी है तो 10वीं, कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन नेता बनने के लिए, पीएम बनने के लिए या फिर कोई मंत्री बनने के लिए आपको किसी भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। समझ सकते हो, एक पुलिस वाला बनने के लिए आपको जरूरत है, देश का पीएम बनने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री को नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या संसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटरों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षणिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए बीए, बीकॉम या फिर बीएससी के स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है ये कथन कि उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता की क्यों जरूरत नहीं होती है तो आप इन 3 कारणों को लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं आंसर राइटिंग में भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनकी सही जोड़ी बना सकते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी को मताधिकार। कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, एक मत। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी होगी। इसका मतलब क्या है कि खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तभी तो होगी जब आपके सामने उपलब्ध होंगे विकल्प, प्रतियोगिता तभी होगी। अब आप सोच लीजिए कि किसी भी सरकारी जॉब में, सरकारी जो भी नौकरी आती है उसमें 10 सीटें हो, 10 सीटें निकली हैं तो 10 ही प्रतियोगी हो तो किस लिए? या फिर आप लोग इसे प्रतिद्वंदिता थोड़ी कहेंगे, आप इस तरह से ले सकते हैं इसे कि आप मान लीजिए एक रेस चल रही है, उसमें सिर्फ आप ही दौड़ रहे हैं तो इसमें दौड़ थोड़ी हो रही होगी, आप विजयी हैं। ना दौड़े तब भी आप विजय हैं। तो अगर आपके अगल बगल में दो चार खड़े हैं दौड़ने वाले तब प्रतिद्वंदी होंगे ना। तो खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी, एक मत एक मूल, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। बात करते हैं चुनाव अभियान। मतदाता देख लिए, नामांकन हो गया, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उम्मीदवारों का। अब चुनाव अभियान पर आते हैं, तीसरी प्रक्रिया। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने
पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवार की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहस भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता है। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीने महीनों पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं चुनाव की। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश में गरीबी हटाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कहाँ हालत है। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने दिया कि लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जनजातियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। जैसा कि आपको पता होगा, 75 से 77 के बीच इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार, अपनी राजनीतिक करियर बचाने के लिए जो आपातकाल लगाया था, उसे काला, उस समय को काला समय बोलते हैं, मतलब समझ सकते हो काला दिन। तो अपनी मनमानी की इंदिरा गांधी ने, तो उसके 77 में ये हटा आपका। तब जयप्रकाश नारायण ने, जनता पार्टी ने नारा क्या दिया था, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो गया था उस समय। इंदिरा गांधी ने इतना दानाशाही दिखाई थी, हर कोई उसकी आलोचना करता है उस समय की। ठीक, वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। पर सभी दलों को उचित और समान अवसर के लिए मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार पार्टी से ये सब काम नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना नहीं कर सकती। उसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना बिल्कुल मना है। चुनावी अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख, विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना नहीं कर सकते। अब एक बढ़ के 40, विधायक के लिए 40 और इसके लिए 70 हो गया। ठीक है, अलग अलग। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो जाएगा। इन कानूनों के अलावा हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया। आपने सुना होगा कि आचार संहिता लग गई, तो ये वही आचार संहिता। इसमें उम्मीदवारों को पार्टी की यह सब करने की मनाही होती है आचार संहिता में। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल पर का उपयोग नहीं कर सकते। सरकारी वाहन, विमान, अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव की यदि घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को जन सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। ठीक, इससे क्या होता है कि जनता का मूड बदल जाता है, इसलिए सब मना रहता है। अब बात करते हैं मतदान और मतगणना के बारे में। कहाँ पहुंच चुके हैं हम? लगभग लगभग लास्ट
प्रणाली में पहुंचने वाले हैं। चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनावी अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं, उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान के केंद्रों के अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छापे उम्मीदवारों के नाम चुनाव चिन्ह से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवार मशीन के ऊपर उम्मीदवार के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है। मतों की गिनती हो जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनावी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है। देश की खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? भारत में चुनाव करवाने का बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 के करीब खर्च हुए, 40 रुपए के। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़। कितना? 30,000 करोड़ खर्च हुआ चुनाव में, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 वोट। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है। मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता है। आइए इस खर्च की तुलना अन्य खर्चों से करें। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3,000 करोड़ है। दिल्ली ने सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, अनुमानता इस पर आपके 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए। तो क्या चुनाव को महंगा माना जा सकता है? इस वेबसाइट पर अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, गुलबर्गा के चुनाव परिणाम देख लेते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक। एक बार फिर गुलबर्गा के उदाहरण पर गौर करें। सन 2014 में यहाँ कुल 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यहाँ के मतदाताओं की संख्या 17.21 लाख थी। इनमें से 9.98 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आधे लोगों ने मतदाता का अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया, किसी को वोट ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को 5.07 लाख वोट मिले। यह कुल पड़े मतों का 50.82% था, लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित किया गया था। 2014 की बात चल रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है, फिर भी देख लें। अगर अब हम बात करते हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। हम चुनाव में गड़बड़ियां और धांधलियों के बारे में
अक्सर पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शायद दल शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों की दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। मतदाता के दिन, मतदान के दिन, जिस दिन मतदान होता है, चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं और ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है। पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती हैं कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो हर यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी पूर्वक हम लोग गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का सरल तरीका है आपका यह देखना कि उसका संचालन कौन कर रहा है, यानी कि चुनाव आयोग। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त हों। जितना आप लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं उतना भी चुनाव आयोग पर भी भरोसा करिए। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को पार्टियों को सजा भी देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या फिर अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में ठीक ढंग से चुनाव नहीं हुआ तो वे वहां फिर से चुनाव का आदेश देते हैं, यानी कि उस जगह का चुनाव रद्द कर सकते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव ना होता। चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। बिहार में चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार। चुनाव आयोग ने 358 98 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने का आदेश दिया। चुनाव आयोग का एक और गुजरात दौरा, चुनावी तैयारियों का जायजा।
राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार को चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव, चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नजर, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है चुनाव आयोग। इस तरह की आपने अक्सर कटिंग देखी होगी न्यूज पेपरों में, कहीं ना कहीं इस तरह के शब्द पढ़ते रहते हैं आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चुनाव में लोगों की भागीदारी देखते हैं। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जानने का एक और तरीका है देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। अब आप ही सोचिए कि अगर पता हो आपको कि आपके वोट से कुछ नहीं होने वाला है तो आप किस लिए वोट देने जाओगे? आप लोग वोट तो तभी देने जाते हो जब आपको भरोसा होता है कि हम उसे वोट देंगे या जनता उसे चुनेगी तो वही सरकार में आएगा। ठीक, अगर आपको पता है कि उसका निर्धारित जीत क्लियर है तो आप घर से ही नहीं निकलोगे। भारत और ब्रिटेन में मतदान कभी थी सर? ये ब्रिटेन की प्रक्रिया है और ये आपकी इंडिया। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर, कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। समझ में आया? हमारे देश में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब निरक्षर हैं, जो कमजोर लोग हैं वो ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं, यानी कि वो ज्यादा वोट के प्रति, मतदान के प्रति जागरूक हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। मतदान करना हमारा अधिकार है और करना चाहिए। ठीक है, अन्य देशों में देखिए, अमेरिका में आप सामने ही उदाहरण है, वहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा जागरूक रहते हैं वोट के प्रति। अब देखिए, भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत। भारत में ऊंची जाति का एक ग्राफ है 58, पिछड़ी, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सबसे ज्यादा। देख लीजिए, यहाँ अमेरिका में गोरे लोग सबसे ज्यादा, फिर आश्वेत, हिस्पैनिक। चुनाव क्या है? चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना। आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर रहा गया है, यानी कि बढ़ा है, या तो स्थिर रहा है, कमी नहीं हुई। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है, यानी कि भरोसा है, फर्क पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? तो इसमें 67% लोग, एक बड़ी आबादी क्या बोल रही, हाँ फर्क पड़ता है। जो दूसरा 18% लोग कहते हैं फर्क नहीं पड़ता है, और 15% लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में एक तिहाई से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। चुनाव के अब बात करते हैं चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी प्रमाण उसके नतीजे ही हैं।
अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही आते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हों, उनका भी चुनाव आना बहुत कम बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो सरकार अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। आपने देखा होगा, लेकिन 2014 के बाद जो आपके 2019 में आम चुनाव हुए इसमें नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा आई, क्योंकि लोगों को भरोसा है उन पर, इसलिए दोबारा उन्होंने चुनाव में। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यह बात लागू ना होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हजार हजार देश में इस सामान्य नियमों के थोड़े बहुत अपराध हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद रहे हैं, और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वास्थ्य स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकते हैं? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी यह कहना मुश्किल है, पर उनका स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहेगी। टुडे टुमारो देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होते हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कामोबेश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यह स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए भी ये चीजें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरत बदलाव की मांग नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक के बारे में? यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, एनपी देख लीजिए। चुनाव धांधली। चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी या फ्रेड, इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना, मतदान अधिकारियों को डरा धमका कर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं।
निर्वाचन क्षेत्र एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा जाने माने माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। समझ में आया? अब इस अध्याय से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें देख लेना आप लोग। वो विभाग की जो पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है। अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आप ना समझ सकें। बस धैर्य के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। वे एक दिन में तो कुछ उखड़ने वाला नहीं है, आप ही सोचिए। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करनी पड़ेगी। देख लीजिए, राष्ट्रीय हम मतदाता दिवस ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। वे यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे चौथे चैप्टर के बारे में, संस्थाओं का कामकाज देखेंगे, संस्थाओं का कामकाज।